गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधु। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं जो आपको बुक करवा रही हूँ आपकी हिंदी भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है। टीचिंग सब्जेक्ट में आपकी फोर्थ यूनिट चल रही है। फोर्थ यूनिट में आपको मैं शिक्षण विधियाँ करवा रही हूँ। शिक्षण विधि में पहले मैंने आपको प्रयोजन विधि करवाई थी, पर्यवेक्षित विधि करवाई थी, और आज जो करा रही हूँ वो है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। कौन सी? अभिक्रमित अनुदेशन विधि है जो आज अनुदेशन विधि। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि किसे कहते हैं, होती क्या है। जो वर्तमान युग में जो ज्ञान है, यानी कि जो हमारा वर्तमान समय में जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान के लोगों के पास ज्ञान के बहुत बहुत बड़े भंडार हैं, और ये वो किसी भी माध्यम से ज्ञान को बढ़ा सकती हैं। तो वर्तमान समय में ज्ञान का क्या है, विस्फोट है। विस्फोट के साथ साथ पाठ्यक्रम भी हमारा विस्तृत होता जा रहा है, यानी कि अधिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हमारे पाठ्यक्रम में भी विस्तार करना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारे वर्तमान समय की मांग है। तो इससे क्या है कि हमारे पाठ्यक्रम द्वारा दिए गए ज्ञान यदि अध्यापक ही अकेला जाएगा, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में जो ज्ञान दिया गया है, अगर उसको अकेला अध्यापक ही बांटना चाहेगा तो वह संभव नहीं होगा। इस प्रकार शिक्षण उत्पन्न करने में हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए तथा शिक्षा में इसी अनुभव के अनुरूप परिवर्तन लाने के लिए पिछली शताब्दी से ही प्रयास ही होते रहे हैं। यानी कि जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा के इसी अनुरूप परिवर्तन रूप में परिवर्तन लाने के लिए पिछली शताब्दी से ही प्रयास हो रहे हैं। अब इसकी है जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि की ऐतिहासिक रूप पर पृष्ठभूमि, यानी कि इसका इतिहास कैसा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसकी, अनुदेशन अभिक्रमित विधि की ऐतिहासिक कौन सा है इसका, इसकी क्या है सबसे पहले ऐतिहासिक कौन सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि इसकी जो हमारे अनुदेशन अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, इसका इतिहास क्या है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें जो हमारी ऐतिहासिक इसकी 1926 में जो इसकी ऐतिहासिक भूमि है, पृष्ठभूमि है अनुदेशन अभिक्रमित विधि की, वो 1926 ईस्वी में अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय, ओहियो विश्वविद्यालय है 1926 ओहियो विश्वविद्यालय के एक मनोवैज्ञानिक हैं, ओहियो विश्वविद्यालय के एक मनोवैज्ञानिक हैं डॉक्टर प्रेसे। ओहियो विश्वविद्यालय के डॉक्टर प्रेसे हैं जो ओहियो विश्वविद्यालय के, ये कहाँ पे है, अमेरिका में। और उस विश्वविद्यालय में जो डॉक्टर थे हैं, कौन से प्लेस थे, उन्होंने एक मशीन का निर्माण किया जिसके द्वारा बालक स्वयं अपने उपार्जित ज्ञान की जांच कर सकता है, यानी कि जो उसने ज्ञान ग्रहण करना है उसका स्वयं ही उसकी क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। ओहियो विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर का नाम था प्रेसे ने एक मशीन तैयार की जिसमें से कि बालक अपने द्वारा जो ज्ञान उसने ज्ञान ग्रहण कर जितना ज्ञान ग्रहण करा है उसकी जांच कर सकता है। किसके माध्यम से, इस मशीन के माध्यम से। यह मशीन बालक के सही व गलत उत्तर का संकेत देती है, जो ये मशीन है वो बालक के सही व गलत उत्तर का संकेत करती है। और 1931 में पीटर्स
पीटरसन, कौन से मनोवैज्ञानिक? पीटरसन मनोवैज्ञानिक हैं। पीटरसन मनोवैज्ञानिक 1934 में पीटरसन मनोवैज्ञानिक ने लिटिल तथा 1948 में लिटिल तथा 1948 में 1934 में पीटरसन ने लिटल, कौन सा लिटल तथा 1948 लिटल ने 1900 पीटरसन 1934 लिटल 1948 में एंजिल आदि, कौन से एंजिल आदि मनोवैज्ञानिक हैं जो आदि मनोवैज्ञानिकों ने ये तीनों जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है यदि बालक को प्रत्येक प्रश्न के पश्चात बता दिया जाए कि उसका उत्तर सही है गलत तो उसके सीखने में वृद्धि हो सकती है। तीनों जो ये मनोवैज्ञानिक हैं जो 1944 में पीटरसन लिटल एंजिल उन्होंने कहा है कि यदि बच्चे को प्रत्येक प्रश्न के बाद यह बता दिया जाए कि उसका उत्तर सही है या गलत तो उसके ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। तो 1950 में बी एफ स्किनर, कौन से 1950 में बी एफ स्किनर में जो 1950 में बी एफ स्किनर ने कहा है कि एक शिक्षण यंत्र का आविष्कार कर यह सिद्ध कर दिया गया है। बी एफ स्किनर ने कहा है कि एक शिक्षण यंत्र का आविष्कार कर यह सिद्ध कर दिया गया है कि इसकी सहायता से बालक अच्छी तरह क्या करते हैं, सीखते हैं। भारत में सर्वप्रथम इस पद्धति का प्रयोग 1963 में, जो ये पद्धति चली थी मशीन की भारत में 1963 कब भारत में 1963 में यह पद्धति चली थी, कब चली थी 1963 में। इसमें जो डॉक्टर एस कुलकर्णी, कौन से डॉक्टर एस दो बार एस है, एस कुलकर्णी एस कुलकर्णी जो डॉक्टर हुए हैं कुलकर्णी और कृष्णमूर्ति दूसरे कौन से हैं, पहले हैं डॉक्टर एस कुलकर्णी, दूसरे कौन से हुए हैं, दूसरे हैं कृष्णमूर्ति, दूसरे हैं कृष्णमूर्ति, दूसरे जो हमारे प्रोफेसर हुए हैं वो कौन से हैं, कृष्णमूर्ति तथा डॉक्टर सुश्री एम शाह, सुश्री एस सुश्री एम शाह, सुश्री एम शाह जो हुए हैं के शोध प्रयासों से इसको विशेष गति मिली है। कौन सी इसमें क्या है, इस मशीन में बच्चा अपने सही गलत का जांच कर सकता है कि उसने कितनी नॉलेज ग्रहण करी है। अब ये तो हो गए कि जो हमारी उद्देशक अभिक्रमित विधि क्या है और इसका आविष्कार कब किया गया, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है अमेरिका के अमेरिका 1926 में अयो विश्वविद्यालय में डॉक्टर प्रोफेसर थे, उन्होंने 1926 में उन्होंने 1934 से पीटरसन लिटल 1948 एंजिल आदि 1950 में बी एफ स्किनर ये तीनों ने मिलकर यह जांच की थी कि बच्चे को अगर ऐसी मशीन के माध्यम से यह जांच कर सकता है कि उत्तर सही या गलत तो उसके ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। लेकिन यह अपने भारत में ये मशीन का पहले 1963 में और इसमें जो भारत में हुए थे जो डॉक्टर थे डॉक्टर एस एस कुलकर्णी और जो कृष्णमूर्ति सुश्री एम शाह, कृष्णमूर्ति डॉक्टर एम शाह इसमें तीन हुए थे, उन्होंने भी इस मशीन में इसको इससे शोध प्रयासों द्वारा इससे विशेष गति मिली थी इस मशीन को। उसके बाद अभिक्रमित अनुदेशक विधि का अर्थ कि अब इसमें मैं आपको आगे बता रही हूँ, जो ये हमारी अनुदेशन
अभिक्रमित विधि है उसका। अब जो आगे है आपकी अनुदेशित अभिक्रमित विधि का अर्थ, अनुदेशन अभिक्रमित अनुदेशन अभिक्रमित का विधि का अर्थ ही इसका क्या अर्थ है। तो इसमें देखो अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु को एक क्रम में, यानी कि जो हमारी पाठ्य वस्तु है या जो हमारी पाठ्य सामग्री है उसको एक क्रम में व्यवस्थित कर उसे छोटे छोटे पक्षों में विभक्त किया जाता है। यानी कि जो हमारी पाठ्य वस्तु होगी या पाठ्य सामग्री होगी उसको एक क्रम में छोटे छोटे इसको भागों में विभक्त कर दिया जाता है, और प्रत्येक पद में कुछ पाठन सामग्री होती है जो हमारे पद डिवाइड किए जाते हैं, और उस प्रत्येक पद में एक पाठन सामग्री होती है जिसे विद्यार्थी पढ़ता है और समझता है। पद के अंत में एक लघु प्रश्न होता है, यानी कि एक पैराग्राफ वो बच्चा जब पढ़ता है तो उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसके अंत में एक क्या होता है, लघु प्रश्न होता है, यानी कि छोटा प्रश्न होता है जिसका उत्तर वह लिखता है तथा उसकी सत्यता की जांच पुस्तक में दिए उत्तर से करता है। उसकी सत्यता की जांच पुस्तक में जो उत्तर दे रखा है उससे जांच करता है। प्रत्येक पद इतना सरल होता है कि शास्त्र द्वारा त्रुटि न किए जाने की संभावना लगभग उसमें क्या होती है, नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। और प्रथम पद को पूर्ण करने के बाद द्वितीय पद, फिर तृतीय पद, इस प्रकार अन्य पदों के माध्यम से पढ़कर संपूर्ण पाठ बच्चा क्या करता है, सीख लेता है। तो इस विधि का अर्थ यह है कि इसमें जो हमारे पास पाठ्य वस्तु है, पाठ्य सामग्री है, उसको एक क्रम में व्यवस्थित रूप से उसके क्या कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं, उसको पदों में बांट दिया जाता है। तो पहले पद में बच्चे को क्या कहा जाता है, पढ़ने के लिए बोला जाता है, और पढ़ने उस पद को पढ़ने के बाद उस पद के अंत में एक लघु प्रश्न दिया होता है, उस प्रश्न का वह बच्चा उत्तर लिखता है, उत्तर लिखने के बाद उसका जांच पुस्तिका के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार यह क्रिया आगे लगाई जाती है, जैसे प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो ऐसे करते करते बच्चा क्या करता है, जो उस पाठ का ज्ञान ग्रहण कर लेता है। तो इसमें अब जो आपकी आगे में इसमें क्या बता रहे हैं, तो इसका होगा परिभाषा। अनुदेशन अभिक्रमित विधि का अर्थ हो गया अभिस्थिति, क्या होगी परिभाषा। पहली परिभाषा है, उसके राइटर कौन से हैं, उनका नाम है सुसन मार्कल। कौन से हैं, सुसन मार्कल। कौन से राइटर हैं, सुसन मार्कल के अनुसार जो अनुदेशन अभिक्रमित विधि है, यह एक अनुदेशन अभिक्रमित एक क्या है विधि है जिसमें बालक क्या करता है, क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की क्या करता है, तत्काल जांच करता है। इसमें क्या कहा है, हमारे जो हमने हैं सुसन मार्कल के मार्कल के साथ जो अनुदेशन अभिक्रमित विधि है, इस विधि में जिसमें कि बालक स्वयं क्रियाशील रहकर स्वयं गति से उस चीज को पाठ पद को क्या करता है, सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। उसके बाद दूसरा इसमें आ जाता है डी एल कुक। दूसरे कौन से हैं, डी एल कुक दूसरे राइटर हैं इसमें, डी एल कुक दूसरे जो इसमें राष्ट्र हुए हैं डी एल कुक। तो उनके अनुसार जो ये हमारे देश का अभिक्रमित विधि है, इसमें क्या होता है, अधिगम सब शिक्षण विधियों, यानी कि बच्चा इसमें स्वयं सीखता है, सब शिक्षण विधियों के व्यापक सह प्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त विधा है। यानी कि जो हमारे सत्यों को स्पष्ट करने के लिए यह एक स्पष्ट व प्रयुक्त विधा है। अब इसके उद्देश्य अभिक्रमित विधि के पद, यानी कि इसके स्टेप या चरण या स्रोत कह सकते हैं, इसके कौन कौन से स्टेप हैं, यानी कि इसके कौन कौन से पद या निशान है, पद सोपान भी कह सकते हैं, उसको पद हो गए सोपान हो गए, ठीक है। स्टेप
सेंटेंस इसके क्या क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमारा पहला पॉइंट इसमें ये है कि उद्देश्यगत व्यवहार का स्पष्टीकरण। पहला पॉइंट इसमें आ जाता है उद्देश्यगत व्यवहार का स्पष्टीकरण। उद्देश्यगत व्यवहार का स्पष्टीकरण इसमें पहला पॉइंट आ जाता है। स्पष्टीकरण तो इसमें देखो सर्वप्रथम उद्देश्यगत जो हमारा व्यवहारों का उल्लेख कर उन्हें स्पष्ट किया जाता है। यह ऐसे वांछित व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, वांछित जो व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं जो कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बाद प्राप्त हो पाते हैं। जो ये इसके व्यवहार के उद्देश्य हैं कि इसमें बच्चा कितना सीख पाया है, उसका व्यवहार कैसा है, तो इसका कब पता चलता है, उसके अभिक्रमित अनुदेशन के बाद इसका पता चलता है। उसके बाद है पूर्व अपेक्षित व्यवहार का स्पष्टीकरण। दूसरा है पूर्व अपेक्षित व्यवहार का स्पष्टीकरण। उद्देश्यगत इसमें क्या है, पूर्व अपेक्षित व्यवहार का स्पष्टीकरण। इसमें पहले था उद्देश्यगत व्यवहार का स्पष्टीकरण और दो नंबर इसमें आ गया पूर्व अपेक्षित व्यवहार का स्पष्टीकरण कि इसमें पूर्व ज्ञान पर आधारित यानी कि बच्चे को कितनी नॉलेज पहले से पूर्व आधारित ज्ञान छात्रों द्वारा अर्जित व्यवहार का उल्लेख किया जाता है। वस्तुतः जिस अभिगमित अनुदेशन सामग्री का निर्माण किया गया है वह उन्हीं क्या करती है, वह इन्हीं पूर्व अपेक्षित व्यवहार वाले छात्रों के लिए होती है यानी कि जो उसकी अपेक्षा व्यवहार करते अपेक्षित व्यवहार के आधार पर होती है। उसके बाद तीसरा इसमें आ जाता है शिक्षण विधियों का विश्लेषण। तीसरा पॉइंट आ जाता है इसमें शिक्षण बिंदुओं का विश्लेषण। शिक्षण बिंदुओं का विश्लेषण इसमें जो आगे तीसरा पॉइंट है जो इसके शिक्षण बिंदु है। इस चरण में जो पाठ है पाठ के प्रमुख जो शिक्षण बिंदु है शिक्षण बिंदुओं का विश्लेषण कर उन्हें क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है यानी कि जो जो मेन मेन पॉइंट होते हैं उनको जैसे कि किसी टॉपिक का सबसे पहले पढ़ क्या करते हैं उसका अर्थ बताते हैं, फिर उसकी परिभाषा होगी, फिर उसके महत्व हो गया, उद्देश्य हो गया, विशेषताएं, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो शिक्षण बिंदुओं का विश्लेषण इसमें किया जाता है। तीसरा पॉइंट ये है। आगे इसमें जो चौथा पॉइंट है वो है पदों का लेखन। चौथा पॉइंट है पदों का लेखन। चौथा पॉइंट इसमें आ गया पदों का लेखन। चौथा पॉइंट इसमें है पदों का लेखन। तो उपरोक्त विश्लेषित क्रमबद्ध बिंदुओं के में निहित संकल्पों पर छोटे छोटे पद लिखे जाते हैं यानी कि उसे स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। यह प्रथम प्रारूप होता है। उसके बाद है संपादन तथा प्रथम प्रारूप। पांच नंबर है संपादन एवं पदों का प्रारूप। पदों का प्रारूप संपादन तथा इसका प्रथम प्रारूप तो इसके अंतर्गत क्या आता है प्रारूप का संपादन तथा संशोधन प्रशिक्षित संपादक द्वारा ही किया जाता है यानी कि जो जिस शिक्षक को उसकी प्रशिक्षित होता है उस चीज में उसके द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद इसमें है व्यक्तिगत एवं सामूहिक ढांचा। छठा इसमें है व्यक्तिगत एवं सामूहिक ढांचा। व्यक्तिगत एवं सामूहिक ढांचा तो इसके अंतर्गत देखो
निर्धारित विधि से किसी बालक द्वारा दी गई अनुक्रियाओं के आधार पर पदों में आवश्यक संशोधन परिवर्तन तथा संवर्धन किया जाता है। इसमें जो भी उसके व्यक्तिगत सामूहिक जांच की जाती है कि इस चरण में जो उपरोक्त संपादित कार्यक्रम की व्यक्तिगत और यानी एक व्यक्ति विशेष या समूह में उसकी जांच की जाती है और निर्धारित विधि यानी कि जो पठन सामग्री की गई थी किसी बालक द्वारा दी गई अनुक्रियाओं के आधार पर पदों का आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन संवर्धन किया जाता है। और लास्ट में इसका आ जाता है साधना प्रकाशन। साधना इसमें पॉइंट आ गया प्रकाशन। प्रकाशन आ गया तो प्रकाशन के अंदर देखो क्या आता है, प्रकाशन यह चरण अंतिम होता है जिसमें संशोधित प्रायों को प्रकाशित कर छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है यानी कि उसे पूरे लेसन का निचोड़ लास्ट में दिया जाता है और उसका प्रकाशन किया जाता है। तो मैंने इसमें जो आपको 7 पॉइंट बताए थे तो इसमें जो हमारी अनुदेशन अभिक्रमित जो विधि है उसका पहले मैंने अर्थ बताया था। अर्थ में यह बताया था कि इसमें जो बच्चे को लेसन पढ़ाया जाता है उसमें क्रमबद्ध सुसंगठित रूप से उसे पदों के रूप में डिवाइड किया जाता है। पहले पद के लिए उसे पढ़ने के लिए बोला जाता है और उसके बाद क्लास में एक लघु छोटा प्रश्न दिया जाता है। उस प्रश्न का उत्तर देने के बाद उस प्रश्न की जो जांच है पुस्तक के माध्यम से की जाती है। तो ये क्या हो जाती है, उसकी अनुदेशन अभिक्रमित विधि हो जाती है। उसके बाद मैंने इसकी परिभाषा बताई थी, परिभाषा में 2 राइटर बताए थे, पहला सुषम महाता था, दूसरा डीएल कुक था। उसके बाद इसके मैंने आपको जो अनुदेशन अभिक्रमित विधि है उसके पद 105 स्टेप बताए थे, स्रोत बताए थे। तो पहला इसमें है उद्देश्य व्यवहार का स्पष्टीकरण कि उसका उद्देश्य यानी कि बच्चे का क्या उद्देश्य है शिक्षा ग्रहण करने का और उसका व्यवहार उसका स्पष्टीकरण किया जाता है। उसके बाद पूर्व अपेक्षित और व्यवहार यानी कि उसका लेसन पढ़ाने से पूर्व और बाद में उसका स्पष्टीकरण और शिक्षण बिंदुओं का विश्लेषण और पदों का लेखन चौथा बांटना है संपादन एवं प्रथम पद का प्रयोग। उसके बाद में व्यक्तिगत एवं सामूहिक ढांचा क्लास में उसका प्रकाशन। तो जो ये हमारी अनुदेशन अभिक्रमित विधि है इसमें मैंने आज आपको 3 चीजें बताई हैं। पहला था इसमें इसके अनुदेशन अभिक्रमित विधि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक बाद अर्थ, फिर परिभाषा, फिर सोपान पद स्टेप और उसके बाद जो बचा है वो मैं आगे इस निर्देशन विधि में वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। तो आज की क्लास है जो आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।